So guys, today is 19th of November and SBI has conducted examination of SBI clerk and one candidate has joined for the exam review. She will tell entire experience about today's paper. कैसा रहा पेपर मैम आपका? अच्छा था पेपर, अच्छा था, इजी था, सिंपल था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अटेम्प्ट बताइए, आउट ऑफ 100 में कितना बना? 74 अटेम्प्ट किए। 74 एक्यूरेसी के साथ? एक्यूरेसी के साथ, ओके ओके। तो पजल्स के बारे में बताएंगे, लॉजिकल रीजनिंग में पजल्स के पैटर्न सब? पजल्स अभी ध्यान में नहीं आ रहा, पर फ्लोर वाले थे, फ्लैट फ्लोर बेस्ड, इजी था सब डूएबल था, क्वेश्चन व्हाट अबाउट मैथ्स? मैथ्स में कितने क्वेश्चन आते हैं? मैथ्स में मैंने कितना अटेम्प्ट किया? 19 अटेम्प्ट किया। 19 अच्छा था, मतलब और बन सकता था वो टाइम की वजह से थोड़ा। हाँ, डी आई वो मेरा रह गया लास्ट में, वो कर रहा था वो छूट गया। अच्छा था वो डी आई था, रेशियो क्या था वो, वायरलेस वगैरह था उसमें, कुछ मोबाइल वगैरह था, वो टेबुलर था, वो सिंपलीफिकेशन अच्छे थे, आई थिंक 15 थे सिंपलीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। ओके, तो रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी कि मिसिंग सीरीज? नहीं, रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं था, कुछ भी नहीं था। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे, क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चंस, राइट? हां, ठीक ही रहा पेपर, काफी इजी था, तो ठीक रहा पेपर, इजी रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट बताइए, अटेम्प्ट 100 में कितना किया आपने? मेरा 88 हुआ है। 88 जी। ओके, तो इंग्लिश सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में तो क्या इजी लगा आपको? इंग्लिश में तो काफ़ी इजी था, मतलब पैराजंबल वगैरह भी कुछ नहीं था, मतलब नॉर्मल नहीं आए थे ना? नहीं नहीं, तो काफ़ी इजी हो, काफ़ी इजी पेपर था। और जो आरसी था वो भी काफ़ी इजी था, वो डायरेक्ट मतलब पैसेज बेस्ड था, बिल्कुल स्टोरी बेस्ड थी क्या? नहीं, एक डेटा बेस्ड था, पर वो काफ़ी इजी था, डूएबल था, बहुत डूएबल था। व्हाट अबाउट लॉजिकल रीजनिंग? 35 कितना बना आपने? 35 फुल। हाँ फुल, वो बहुत इजी था, बहुत इजी था। कुछ क्वेश्चन याद है? पजल सिटिंग अरेंजमेंट या फिर अल्फा न्यूमेरिक या कोडिंग डिकोडिंग क्या याद, कुछ याद आपको? ये दो पजल थे, दो पजल थे, एक सिटिंग अरेंजमेंट था। ओके, पजल में था एक फ्लैट फ्लोर, चार फ्लोर थे, दो फ्लैट था। ओके, और एक शायद बॉक्स बेस्ड था पजल, बॉक्स बेस्ड, उसमें शायद 7 थे अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, और उसके बाद फिर एक शायद लीनियर था, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट जी। हाँ ओके, नॉर्थ साउथ में बैठे होंगे? नहीं, नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल। ओके, कुछ नहीं। व्हाट अबाउट क्वांट मैथ्स? मैथ्स नंबर 35 में, मैथ्स में तो 22 के आसपास हुआ, 22 अराउंड। तो बीच में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम हो रहा था मेरे को, बट फिर काफ़ी ईजी था पेपर, इसीलिए शायद बन नहीं रहा था, पता नहीं, बट उसमें थोड़ा कम अटेम्प्ट हो गए। ओके ओके, हाँ। तो डीआई किस प्रकार के? डीआई थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन तो काफी सिंपल था, कुछ नहीं करना था। पैटर्न क्या था? टेबुलर थी, पाई चार्ट थी या क्या? टेबल था, टेबल सिंपल, टेबल था, बिल्कुल सिंपल था, बट वो जो क्वेश्चन में थोड़ा काम करवा रहे थे। ओके, काम कर रेशियो परसेंटेज सारा इंक्लूड करवा रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बस थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट, और जो क्वेश्चन का लेंथ था वो थोड़ा लंबा लंबा कर दिया था। लेंथी क्वेश्चन पूछा गया था, रीडिंग करने में, रीडिंग करना था बस, वो बस वही, इसको इंटरप्रेट करने में, ये काफी टाइम कंज्यूम हो गया, बस बस, और कुछ नहीं था पेपर, बाकी बहुत सारा इजी था। हाँ, मैंने ज्यादा वो अर्थमेटिक तो अटेम्प्ट नहीं कर पाया, ओके, बट ओवरऑल बहुत इजी था पेपर, बहुत इजी था। ओके, आप कंक्लूड कीजिए, आपने 100 में कितना बताया आपने? 88। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू यू पेपर के लेवल 19th नवंबर फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट क्या कहेंगे आप? इजी मोड? इजी इजी, बहुत इजी। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर ठीक था, ठीक रहा, ठीक रहा। ओके, तो आउट ऑफ 100 आपने कितना बनाया 100 में? मैंने 75 बनाया। 75, तो कौन सा सेक्शन आपको डिफिकल्ट लगा आउट ऑफ 3 तीनों में? डिफिकल्ट कोई नहीं था, एवरेज था, एवरेज था, एवरेज था। तो बात करते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश कैसा, रीडिंग कंप्रिहेंशन इजी था या हार्ड था? नहीं नहीं, इजी था, इजी था। हाँ, इंग्लिश सेक्शन इजी था। हाँ, इंग्लिश में कितना बनाया आपने अप्रॉक्सीमेटली? कितना? 25 बनाया। 25। व्हाट अबाउट लॉजिकल रीजनिंग? लॉजिकल रीजनिंग उसमें 30 बनाया, 35 में, 35 में 30। ओके, तो कुछ क्वेश्चन याद है लॉजिकल रीजनिंग में? लॉजिकल रीजनिंग में आपका पैटर्न या सिटिंग अरेंजमेंट कुछ भी याद है आपको? एक सिटिंग अरेंजमेंट था, एक सिटिंग अरेंजमेंट था, कितने लोग थे? 7 लोग थे। ओके, और अच्छा, और कुछ याद है आपको? और वैसे तो कुछ याद नहीं। ओके, और मैथ्स, मैथ्स में कुछ याद है आपको? मैथ्स में डीआई या सिंपलीफिकेशन कितना था? डीआई था एक, एक डीआई था। पैटर्न क्या था? डीआई टेबुलर फॉर्मेट थी या पाई चार्ट था या क्या था? टेबुलर फॉर्म था, टेबुलर फॉर्म, सिंपल था ना जी, सिंपल। ओके, और सिंपलीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आई थी जी जी, कितने थे? 10-15 अप्रोक्स, 10 थे, 10 थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज क्या आया था? मिसिंग सीरीज नहीं थे, मिसिंग सीरीज नहीं था, नहीं। ओके, तो आप कंक्लूड कीजिए, अकॉर्डिंग टू यू पेपर के लेवल इजी मॉडरेट और हार्ड क्या कहेंगे? ये मॉडरेट बोले। पेपर तो बहुत इजी था, और मैथ्स
क्वांट जो है वो उसमें सिंप्लीफिकेशन भी बहुत ज़्यादा ईजी था, बहुत ईजी था। कितने क्वेश्चन थे? 10, 12, 15, 16 कितने थे? 16 क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के। ओके, काफ़ी ईजी था जी। और नंबर सीरीज, मिसिंग सीरीज, रॉन्ग नंबर से ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या आया था? वो सब भी था। क्या था, क्वाड्रेटिक था या मिसिंग था या रॉन्ग था? क्वाड्रेटिक था। 5 क्वेश्चन थे जी। ओके, तो क्वांट आपने कितना बनाया? आप बोल रहे ईजी है। क्वांट मैंने 30 प्लस बनाया आपने जी। ओके, व्हाट अबाउट इंग्लिश? इंग्लिश में कितना बनाया आपने? इंग्लिश में भी मैंने 29 अटेम्प्ट किया है। ओके, इट मस्ट काफ़ी इजी था पेपर, राइट जी। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। लॉजिकल रीजनिंग किस क्वेश्चन से याद है आपको? पजल्स या सेटिंग अरेंजमेंट या फिर कोडिंग डिकोडिंग, कुछ भी याद है आपको? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था और सेटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन था, इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन था। ओके, और क्वेश्चन थे। ऑलराइट।